सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पिछले 10 वर्षों में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड में अन्य परीक्षाओं में पूछे गए राज्य की कार्यपालिका एवं विधायिका के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक्स्ट्रा फैक्ट में डिटेल के साथ कवर करेंगे। सभी क्वेश्चन आपके थ्योरेटिकल बेस्ड है जो कि न्यू पैटर्न पर आधारित है। एग्जाम में थ्योरेटिकल क्वेश्चन ये गलत होने के चांस ज्यादा होते हैं, आपको कंप्लीट क्लास देखनी चाहिए और नए नए क्वेश्चन एक्स्ट्रा फैक्ट वे ट्रिक के साथ कवर करने चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारत में किसी भी राज्य के राज्यपाल पद पर नियुक्त सर्वप्रथम महिला कौन थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सरोजिनी नायडू, उत्तर प्रदेश की थी जी राज्यपाल सरोजिनी नायडू। ठीक है जी, 13 फरवरी 1879 को आंध्र प्रदेश राज्य में इनका जन्म हुआ था। सरोजिनी नायडू भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल बनी थी जी। सरोजिनी नायडू की मृत्यु कब हुई थी बच्चों? 2 मार्च 1949 को हुई थी, इलाहाबाद में हुई थी, इतना आपको पता होना जरूरी है। जबकि उत्तर प्रदेश की पहली तथा भारत में किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी थी। एग्जाम में क्वेश्चन दोनों पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, इनमें से कौन सा विधान परिषद की ताकत के विषय में सही है? ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं? ऑप्शन ए, विधान परिषद की कुल संख्या विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। द्विपक्षीय परिषद की कुल संख्या 40 से कम नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों सही है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान का अनुच्छेद 169 में आपको चलो थोड़ा पहले बता देता हूं पैटर्न क्या होता है। जैसे केंद्र में, केंद्र सरकार में संसद होती है, संसद के दो पार्ट होते हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। ऐसी स्टेट में या राज्य में क्या होता है बच्चों? विधानमंडल होता है, राज्य विधानमंडल, विधानमंडल। विधानमंडल दो पार्ट में डिवाइड होता है या इसके दो भाग होते हैं, कौन कौन से? विधानसभा, विधानसभा और विधान परिषद। सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है, इतना आपको पता होना जरूरी है। ठीक है जी, जैसे केंद्र में संसद, संसद लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति होता है, ऐसे स्टेट में विधानसभा के अंदर अंतर्गत क्या कहते हैं बच्चों? विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल होता है। राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत? 153 के तहत राज्यपाल होता है कहां पर? राज्य में। ठीक है जी, राज्यपाल का कार्यकाल कितने साल का होता है? 5 साल का राज्य का राज्यपाल का कार्यकाल होता है। विधानसभा, अब विधानसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है बच्चों? विधानसभा की, विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 हो सकती है। अधिकतम कितनी हो सकती है? 500। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और न्यूनतम कितनी होती है? न्यूनतम 60 होती है, लेकिन कुछ अपवाद है इसमें, जैसे कि आपका मिजोरम, सिक्किम एवं गोवा के मामले में यह संख्या कितनी है बच्चों? 30 है। विधानसभा में किस राज्य की सर्वाधिक विधानसभा सदस्य संख्या है बच्चों? यह आपकी 403 है। किसकी? उत्तर प्रदेश की। और सबसे कम सदस्य संख्या किसकी है? पांडुचेरी की है। कितने वर्ष है? 30 वर्ष। अब बात करते हैं सदस्यता, जैसे कि लोकसभा के सदस्य बनने के लिए उम्र कितनी होती है? 25 साल। ऐसे ही स्टेट में आपका विधानसभा सदस्य बनने के लिए अर्हता कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। जैसे वहां पर राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष आयु होती है, ऐसे ही स्टेट में विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष आयु होती है। विधानसभा का सदस्य क्या कहलाता है? विधायक। जबकि केंद्र में लोकसभा सदस्य क्या कहलाता है? सांसद। विधायक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एमएलए बोलते हैं, जो कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहलाता है, इतना आपको पता होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, राज्य की विधान परिषद को समाप्त करने का अधिकार किसके पास है? क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर होगा किसके पास है? ऑप्शन नंबर सी, संसद के पास है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 में उल्लेखित किया गया है कि विधान परिषद के सृजन का अधिकार संसद को दिया गया है तथा इसके विघटन का अधिकार भी संसद के पास है। यदि किसी राज्य की विधानसभा अपनी कुल सदस्य, अपनी कुल संख्या के बहुमत तथा उपस्थित में मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत से इस पर संबंध में प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो ऐसा किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, राज्य के राज्यपाल विधान परिषद के कुछ ऐसे सदस्यों को नियुक्त कर सकते हैं जिन्हें कुछ विशेष क्षेत्रों में विशेष ज्ञान तथा व्यावहारिक अनुभव हो, विज्ञान, साहित्य, कला, सहकारी आंदोलन। इनमें से आपको राइट आंसर बताना है, राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ए बी सी डी, चारों सही है। इन मतलब जो राज्यपाल विधान परिषद में सदस्य नियुक्त करते हैं ना बच्चों, इन चारों क्षेत्रों में विशेष योगदान देने वाले व्यक्ति को कर सकते हैं। क्लियर है जी, इतना आपको पता होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5,
किसके तत्वावधान में दिल्ली के मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण करते हैं? क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, दिल्ली के उपराज्यपाल के, दिल्ली के उपराज्यपाल के करते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र कितने साल है? किसकी बात की? विधानसभा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 25 साल। विधानसभा और आपका लोकसभा, इन दोनों की कितनी होती है? 25 साल होती है। जबकि विधान परिषद और आपकी राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आयु कितनी होती है? 30 वर्ष होती है। विधानसभा का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? आर्टिकल नंबर 170 के तहत क्या प्रावधान है? भारत में द्विसदनीय राज्यों में निचले सदन को विधानसभा तथा ऊपरी सदन को क्या कहते हैं? विधान परिषद कहा जाता है। भारतीय अनुच्छेद संविधान में अनुच्छेद नंबर 173 के तहत विधानसभा का सदस्य बनने के लिए अर्हता क्या क्या होनी चाहिए बच्चों? विधानसभा सदस्य बनने के लिए एक तो भारतीय नागरिक हो, कम से कम 25 साल उसकी आयु पूर्ण कर चुका हो और ऐसी योग्यता रखता हो जो संसद द्वारा निर्मित किसी विधि द्वारा भी की गई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, भारत के संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार राज्य विधान परिषद के गठन का अधिकार किसे होता है? क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसे होता है? संसद को होता है। किस अनुच्छेद के तहत? 169 के, 2/3 सदस्य द्वारा पारित होना चाहिए। ठीक है जी, वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, भारत में किसी भी राज्य का गवर्नर बनने के लिए निम्न में से कौन सी योग्यता होनी जरूरी है? उसकी उम्र कम से कम 35 साल होनी चाहिए, उसे संसद के किसी भी सदन या का सदस्य, किसी भी सदन का सदन का सदस्य, उसे संसद के किसी भी सदन या राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए, यह आपको अर्हता दी गई है। क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, नागरिक होना भी चाहिए वो बच्चों। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ए बी व सी, ये सब सारे आपके क्या है बच्चों? सही है, क्योंकि इतनी अर्हताएं होनी जरूरी है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान में उल्लिखित अनुसार विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या से अधिक सदस्य और इससे कम सदस्य नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 560। कुछ में अपवाद भी है, मैं आपको बता चुका हूं। विधानसभा जनता के प्रतिनिधित्व का क्या होता है बच्चों? सदन होता है, सदन होता है। ठीक है जी, भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 170 में, तीसरा आर्टिकल में, अनुच्छेद नंबर 170 में के अनुसार विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 500, और न्यूनतम कितनी होती है? 60 से कम नहीं होनी चाहिए। एक संविधान संशोधन आपको याद रखना है, 31वें संविधान संशोधन 1973 के अनुसार, 1973 के तहत आर्टिकल नंबर 81 में संशोधन किया गया था जो लोकसभा के सदस्यों की संख्या को 525 से बढ़ाकर 525 से बढ़ाकर 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई थी। यह आर्टिकल 31 बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, विधान परिषद की सदस्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? 1/12 सदस्य का निर्वाचन ऐसे निर्वाचन मंडल से होता है जो उस राज्य के निवासन किसी भी विश्वविद्यालय के स्नातकों से गठित हो। बिल्कुल ठीक, ऑप्शन बी, 1/12 सदस्यों का निर्वाचन एक ऐसे निर्वाचन मंडल से होता है जिसमें उस राज्य के निवासरत न्यूनतम 3 वर्ष अनुभव सहित माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक होते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 10 का राइट आंसर क्या होगा बच्चों? क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा कि आपकी ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, राज्य की विधि निर्माण शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? जिन राज्यों में द्विसदनीय विधायिका की व्यवस्था है वहां प्रस्तावित विधेयक राज्य के ऊपरी और निचले दोनों सदनों के द्वारा पारित होने चाहिए। ऑप्शन बी, जिन राज्यों में एक सदनीय विधायिका है की व्यवस्था है उनके लिए प्रस्तावित विधेयक राज्य के निचले सदन द्वारा एवं तत्पश्चात राज्यसभा द्वारा पारित होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल, ये यहाँ पर ए छुटा हुआ है बच्चों, केवल ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, भारत के किस राज्य में पहले यह कहा गया कि केंद्र के द्वारा राज्य सरकारों को राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के द्वारा खारिज किया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश के तहत ये बात हुई थी बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, चंडीगढ़ के प्रशासक के रूप में खालिस्तान नियुक्त की जाती है, चंडीगढ़ के प्रशासन के रूप में
नियुक्ति की जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंजाब के राज्यपाल की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, वर्ष 1956 में मुख्यतः किस मानदंडों के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, किसके आधार पर मापदंड का किया गया था बच्चों, ऑप्शन नंबर सी, भाषागत और सांस्कृतिक एक रूपता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, उत्तर प्रदेश लोकसभा में सीटों की का योगदान है तो यह करता है कितना। क्वेश्चन नंबर आपका 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 80 सर्वाधिक है जी, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 16 में बच्चों ऑप्शन नंबर डी आपका गलत है, राज्यपाल राज्य या विधानसभा को भंग कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है बच्चों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा का सदस्य 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, राज्य का अध्यादेश जारी करने की शक्ति, राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है किस अनुच्छेद के तहत है। राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति आर्टिकल नंबर 213 के तहत, 123 के तहत किसे प्राप्त है, राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 500 है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है ये आपको बताना है। राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति करते हैं। आज की क्लास हमारी यहाँ पर समाप्त होती है, यदि क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।